तो जी कांड हो गया दोबारा फिर है, दिखाता हूँ आपको है। तो रब कोई दुश्मनी निकाल रहा है हमसे, मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या हो गया। कलन फिर बट गया एक और सारा ढेर बिल्कुल एग्जिट ते आके टायर फटिया। देखो महाराज का शुक्र है ना, हर बुरी चीज तो कोई ना कोई अच्छी चीज लगनी चाहिए है ना। जे कि पिछे पटदा फिर मैनू मकैनिक बुलाना पैंदा, उन्हें आने के पैसे भी लेने सीगे, जाने के पैसे भी लेने सीगे, दो घंटे की लेबर भी लेनी सी है ना। आ देखो सामने हूँ इतने ये गैस स्टेशन आ, इतने टायर पटिया आधा आधा किलोमीटर है ना, यहाँ पर टायर पटा है। और अभी हम जा रहे हैं, सारे टायर पवाते हैं फिर आपको अपडेट देता हूँ। स्टेशन है ना, यहाँ पर टायर डलवाने हैं सारे के सारे। लोकेशन तो अच्छी है, $3,300 लग रहे। तो जी यहाँ पर बात ये हुई है कि मैंने अपनी कंपनी को कॉल किया था जिन्होंने पैसे पे करने थे, तो यहाँ पर इनके पास जो टायर हैं काफ़ी महंगे हैं, 3500 क्योंकि या फिर चाइनीज़ टायर हैं वो सस्ते हैं $2,500 के। तो मेरे कंपनी के जो मालिक हैं कहते हैं कि तो ऐसा कर, एक सिर्फ एक टायर पवा ले, चाइनीज़ पवा ले एक टायर, तो इसको लेकर कंपनी में आ जा, वहाँ पर इसको हम इसमें नए टायर डाल देंगे, क्योंकि उनको डील मिलती है, काफ़ी सारे टायर लेते हैं, उनको $2,500 के मिल जाएंगे। सो दैट्स वी डिसाइडेड। Oh, that was a bad trip, man. That was a bad trip. चलो जैसे भी टायर पड़ते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने पैसे लगे हैं, कितनी लेबर लगी है। तो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या बनता है। बाय बाय फॉर नाउ। Just something to make sure nobody steals tires. The goldfish? Like a guinea pig? What's up? Like then you're all shit. So I'm done with the repair in a shop and $450 लगे हैं, $450। इन्होंने पुराना टायर नया टायर पाया चाइनीज। तो जी ये $450 लगे हैं जो है ना, $450 पहले लग चुके थे, $450 लगे टोटल, $900 लग चुके, $900। और जो नए टायर आते हैं सारे आते हैं तकरीबन $3,200 के। सो मैंने कितनी बेवकूफ़ी की, मैं डलवाने लगा था लास्ट वीक, पर मेरा बॉस कहता है कोई नहीं ठीक है टायर चला ले चला ले। मैंने उसे कहा भी था मैंने चेंज कराने हैं, वो कह रहा है कोई नहीं अभी चला ले चल जाएंगे ना। सो अब जो मुझे टायर 3200 के पड़ने थे अब वो मुझे पड़ेंगे, मैंने जो 2700 के थे, 2700 के जो टायर हैं अब मुझे पड़ेंगे 3600 के, प्लस जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ वो अलग है ना, दो तीन घंटे अब लग गए और 3 से 4 घंटे पहले लग गए थे जो पहले टायर पड़ा था 2-3 दिन पहले। सो दैट्स हाउ ट्रैकिंग लाइफ इज, ट्रैकिंग लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता है ना। जो आपको नुकसान देती है ट्रैकिंग लाइफ में वो देती है रिपेयर, रिपेयर आपको मार जाती है।
जो ट्रकिंग की रिपेयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और चलो एक फ़ायदा ये हुआ कि बिल्कुल पास में आके पटा यहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल शॉप के पास आके, लेकिन दूर पड़ता तो अलग पैसे लेबर के उसके देने पड़ने थे। और चलो थैंक गॉड, तो चलो चलते हैं, अभी रास्ते में कहीं रुकूंगा फिर आपको बताऊंगा। अभी मैरिज होना में हूँ, मैं वाइफ ना हूँ। आज ही अपने ट्रक का हो रहा काम, टायर पाए जा रहे हैं, हमारे अंकल जी टायरों का काम कर रहे हैं। ये है हमारा ट्रक यार्ड जहाँ ट्रक खड़े होते हैं। हाथ क्यों ना फिर गए हैं ये ने साड़े मैकेनिक, टायर जल चुके हैं भाइयों, अभी तो स्टिकर भी नहीं उतरा है, ये टायर डल चुके हैं, शॉकर्स भी पड़ चुके हैं, ये नया मड फ्लैग नया पड़ा है, और भाई शॉकर्स पड़े हैं,